आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में और आज हम चंडीगढ़ समाचार कैरी कार्यालय से चर्चा कर रहे हैं आम चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर। जी हां, आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, 4 जून को यानी कि कल आम चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम का सभी को इंतजार है और उससे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं क्या होगा इस बार आम चुनाव 2024 में। यह 18वीं लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है जो 4 जून को यानी कि कल इसके नतीजे परिणाम आएंगे और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए समाचार कैरी के मुख्य संपादक हैं श्री राजेश कुमार जी। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जिट पोल के परिणाम चर्चा को लेकर के लोगों में एक धारणा बन गई है पिछले कुछ सालों से कि एग्जिट पोल का परिणाम संभवतः वही आता है जो एग्जिट पोल दिखाता है। आप कितने सहमत हैं एग्जिट पोल के इस आंकलन से? सबसे पहले समाचार कैरी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी दर्शकों साथियों को नमस्कार। समाचार कैरी पिछले 27 वर्षों से अपने आकलन के लिए मशहूर है। हर चुनाव में, आम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव, सरपंच चुनाव, हर चुनाव में अपना आकलन अवश्य पेश करता है। इस बार भी हम आम चुनाव 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणामों पर चर्चा करेंगे। जी, मेरा सवाल यही है राजेश जी के जो एग्जिट पोल की चर्चाएं चल रही हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़े बड़ी जो सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने 1 जून को ही अपने एग्जिट पोल के परिणाम दिखाने शुरू कर दिए हैं। आप एग्जिट पोल के इन सर्वे से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, ये कितने स्टिक हैं? जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। निसंदेह है कुछ समय से मीडिया संदेह के घेरे में है, आरोप लगते हैं, विपक्षी दल पक्ष सभी मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं। आज मीडिया की स्थिति थोड़ी संदिग्ध हो चली है, फिर भी कई बार एग्जिट पोल में बदले हैं। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि कई एग्जिट पोल नहीं हो पाए हैं। इस बार एग्जिट पोल हो सकता है एग्जिट पोल में बदल जाए, बट जो समाचार कैरी ने कुछ दिनों पहले, आज से लगभग 20 दिन पहले एक सर्वे किया था, किसी ने सवाल पूछा मेरे से कि भाजपा क्या 400 पार हो पाएगी। जी, मैंने कहा था समाचार के जब भाजपा ने हरियाणा में 75 पार का नारा लगाया था, उससे अगले दिन समाचार कैरी मीडिया समूह ने बताया था कि भाजपा 40 पार नहीं हो पाएगा। 400 पार नहीं, मैं बात करूँ विधानसभा की। जी जी, पिछली विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें भाजपा ने हरियाणा में कहा था 75 पार, और समाचार कैरी ने कहा था नहीं 40 पार ही हो पाएंगे मुश्किल से। इसलिए वो सर्वे भी ठीक पाया। पिछली बार भी हमने रोहतक लोकसभा को लेकर, सोनीपत को लेकर कुछ चर्चाएं की थी, इसलिए 100% वो सत्य मिली है। इस बार भी समाचार कैरी की टीम गांव-गांव घर-घर गई है, विशेष तौर पर हरियाणा में गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे भारत देश की, भारत देश की 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे। जी, भाजपा की 400 सीट नहीं आने वाली, यह चुनावी हथकंडा था, लोगों को प्रभावित करने का एक स्टाइल था। स्वयं भाजपा में आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष तो 400 के आंकड़े में अब तक गिरा रहा है। निसंदेह यह एक चुनावी स्टंट था, लोगों को प्रोत्साहित करना, जीत के प्रति आश्वस्त करना। लेकिन हाँ, केंद्र में सरकार भाजपा की 100% बनेगी, यह समाचार कैरी का सर्वे है। समाचार कैरी का यह एक एग्जिट पोल है, 400 का नारा नहीं है, लेकिन केंद्र में सरकार भाजपा की 100% निश्चित है। अब बात करते हैं हरियाणा, क्योंकि समाचार कैरी का जन्म हरियाणा की पावन मिट्टी से हुआ है, वह उसकी जन्मभूमि कर्म भूमि है। हरियाणा से चलकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, आज समाचार कैरी 5 राज्यों में अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए 23 साल की इस यात्रा में कई बार समाचार कैरी भाजपा वाले बोलते हैं कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी बोलते हैं भाजपा वाले, हमें समय समय पर विभिन्न दलों ने आरोपित किया है एक दूसरे का होने का। जब जिसकी बात नहीं उसके समझ में आती वो हम पे आरोपित लगाता है। लेकिन निसंदेह में आज एक दावे के साथ कह सकता हूँ, 27 साल में समाचार कैरी ने निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ
अपनी पत्रकारिता की है, उस पर कोई भी आरोप लगे, कोई उस पर लांछन लगाए, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के हमने वो सच दिखाने का एक अथक प्रयास किया है। इस लोकसभा चुनाव में भी हमने उन दिग्गजों की सच्चाई दिखाने का और जनता को जगाने का एक ऐसा प्रयास किया है, हर उस मुद्दे को जनता के सामने पेश किया है जिससे जनता प्रभावित हुई है, दुखी हुई है, खुशी हुई है, या उस मुद्दे को देखकर उसको वोट डालना चाहिए। समाचार कैरी की टीम निर्भीक, निष्पक्ष, ईमानदारी के साथ हर उस मुद्दे को जनता के सामने दिखाने का प्रयास किया है, जिसको उन बातों को याद करके और जिन जिन से जनमानस प्रभावित हुआ है अपनी वोट का पोल करें। अब संजय जी, केंद्र के बाद हरियाणा की बात करते हैं। बिल्कुल, निसंदेह हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, लेकिन यहाँ के लोग जाबाज हैं, वीर हैं। भारत की राजनीति बदलने का एक अहम सामर्थ्य रखते हैं। इतिहास उठाकर देखो, हरियाणा ने कई बार भारत की राजनीति को बदला है। रोहतक से चौधरी देवीलाल, जो भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं, न जाने कितने नेता हरियाणा में पैदा हुए हैं और जिन्होंने केंद्र में जाकर एक बहुत बड़ा नाम कमाया है। हरियाणा छोटा बेसक है, लेकिन भारत का बहुत बड़ा एक अहम मुद्दा है राजनीति में और अर्थव्यवस्था के अंदर। और हरियाणा में एक क्षेत्र रोहतक, जो कि चौधर का गढ़ रहा है, रोहतक ने हरियाणा का इतिहास कई बार बदला है। ये मैं कहूँ, जब जब जरूरत पड़ी है तब तब रोहतक ने हरियाणा का इतिहास बदला है। थोड़ा बोलना पड़ेगा, चौधरी देवीलाल 3 बार रोहतक से लोकसभा जीते थे और हुड्डा साहब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 बार जीतने वाले चौधरी देवीलाल, जिन्होंने भारत में परचम लहराया था, उनको हराकर राजनीति में बदलाव लेकर आए थे। उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री हुड्डा साहब रहे। वर्तमान में भाजपा, जिसका कोई हरियाणा में वर्चस्व ही नहीं था, 3-4 की गिनती में आते थे, पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा ने परिवर्तन किया। निसंदेह हरियाणा एक बहुत वीरों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, व्यापारियों का प्रदेश है, सभी जातियों के लोग इसमें रहते हैं। निसंदेह हरियाणा की और भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, और विशेषतर रोहतक। तो बात करते हैं रोहतक की। रोहतक लोकसभा पर 40 साल से भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार का एक छत्र राज रहा है। 3 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, 3 बार दीपेंद्र सिंह रहे, लेकिन पिछली बार उनका 40 साल का वर्चस्व और एकाधिकार भाजपा ने तोड़कर अरविंद शर्मा वहां से सांसद चुने गए थे। इस बार वह 40 साल की सत्ता, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वापस पा पाएंगे या भाजपा ही जीत पाएगी, चर्चा इस पर करते हैं। यह पूरे देश में एक ऐसी सीट है जिस पर लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, क्या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस 40 साल के अपने राज को पा पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। अब संजय जी, हम इस पर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, 2014 में एक समय ऐसा था जब मोदी लहर थी, और जिस प्रदेश में आज हम चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, इसके 100 किलोमीटर के राउंड में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। एकमात्र दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने 2014 में मोदी की लहर होने के बावजूद भी रोहतक से कांग्रेस की सीट जीती थी। 2019 में अरविंद शर्मा भाजपा यहां से जीती। हाँ। अब 2024 में क्या होने वाला है? पहले बताएं, 2019 में भाजपा क्यों जीती जी, और अब क्या होगा अब बताऊंगा जी। 2019 में उससे पहले 10 साल तक कांग्रेस का राज था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे हैं। हुड्डा साहब एक जाति को लेकर एक प्रयोग किया था। हरियाणा में लगभग 23% से ज्यादा जाटों की संख्या है। हुड्डा साहब भी जाट कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, उन्होंने उन पर आरोप भी लगे थे और एक कम्युनिटी को विशेष महत्व देकर एक प्रयोग किया था जो कि विफल हुआ।
रोहतक लोकसभा में पिछली बार लगभग 16 लाख वोट थे, जिसमें से 6 लाख के आसपास जाट वोट थे और 11 लाख के आसपास अदर कास्ट के वोट थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि 19 से पहले अदर कास्ट भूपेंद्र हुड्डा को हर बार वोट देता आता था, बिल्कुल तभी वो जीतते थे। 2019 में 36-1 का नारा हुआ और एक कम्युनिटी अलग रह गई, 35 कम्युनिटी इकट्ठी हो गई, इसलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां से हारे, चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत शिद्दत से बहुत दिनों पहले ही यह तैयारी आरंभ की थी और उस फार्मूले पर काम ना करके कि जाट एक जाति को ना लेकर सभी जातियों को अपनाने का, या वो भ्रम टूट गया उनका कि एक जाति से कोई जीत सकता है, नहीं, अब वो ये समझ चुके हैं कि एक जाति यदि 100% भी भूपेंद्र को वोट दे तो वो नहीं जीत सकते, दूसरी जातियों को बिना जीत संभव नहीं है। उन्होंने इसी फार्मूले पर काम किया है और समाचार कैरी का ये आकलन है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। लगभग 40-50% ब्राह्मणों ने इस बार कांग्रेस को भूपेंद्र हुड्डा को वोट दिया है। अपने SC BC भाई हैं उसमें से भी एक SC BC भाई हैं, उन्होंने काफी वोट दिया है। यादव कम्युनिटी से भी भूपेंद्र हुड्डा को पिछली बार की अपेक्षा इस बार वोट मिल रहा है। अरविंद शर्मा पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि अरविंद शर्मा ने 40 साल में एक सीट जीती, उसको केंद्र में कोई मंत्री नहीं बनाया गया, कोई सम्मान नहीं दिया गया, रोहतक के विकास के लिए कोई स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। और स्वयं पर भी उन पर ये आरोप थे कि वो किसी से मिलने नहीं गए, वो किस 5 साल में कहीं दिखाई नहीं दिए, ये उन पर आरोप लगाया गया। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि एक सांसद की जो निधि मिलती है वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर पाए, उसमें से भी कुछ राशि शेष बची थी। इस तरह से उनको पब्लिक ने ज़्यादा इस बार पसंद नहीं किया। आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहतक से विशेष तौर पर इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्रयोग है कि एक जाति से नहीं सभी जाति को साथ लेकर चलेंगे, यह प्रयोग सफल होया है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सम्मानित वोटों के साथ रोहतक लोकसभा से जीत रहे हैं। बिल्कुल, राजेश जी ने बड़ा शानदार विश्लेषण किया है। और 2014 की बात करें और उसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियां, जो 2019 में जो परिस्थितियां बदली जिसके कारण भूपेंद्र हुड्डा को हार का स्वाद चखना पड़ा, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। 2024 ने पूरे परिवर्तन किया है, पूरा परिवर्तन किया है, सभी जातियों को साथ लेकर आने का प्रयास किया है और उसमें वो आपके अनुसार कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। और एक बड़े बदलाव का कारण ये रहा कि सत्ता बाजार की बात करें, एग्जिट पोल की बात करें, या तमाम जो साथी हैं पत्रकार साथी जो सर्वे में इंटरेस्ट करते हैं, वो रोहतक सीट पर या तो भूपेंद्र हुड्डा की जीत दिखा रहे हैं या कांटे का मुकाबला दिखा रहे हैं। ज्यादातर सम्मानित जीत लोकसभा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सम्मानित जीत कैरी के एग्जिट पोल में है। चलिए, रोहतक लोकसभा का यह विश्लेषण आपने सुना। समाचार कैरी मीडिया समूह के आदरणीय संपादक राजेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत ही ग्राउंड जीरो पर जाकर के और कुछ ऐसी बातें आपको बताई हैं जिनके कारण 2024 में ये सीट सम्मानित वोटों से भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में जा रही है, ऐसा समाचार कैरी मीडिया समूह का मानना है। और उसके पीछे के कई कारण हैं और उन कारणों में एक बड़ा कारण ये है कि रोहतक में कांग्रेस को भीतरघात का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि केवल एक ही चेहरा था, भूपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा। इसके विपरीत अरविंद शर्मा जो भाजपा पार्टी से थे, वो मोदी के नाम पर भले ही चुनाव लड़ रहे थे, उनका अपना कोई उपलब्धि नहीं थी। उसके बावजूद भी रोहतक लोकसभा में जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से खबरें आ रही हैं कि भाजपा को भीतरघात का सामना करना पड़ा, वो भी एक कारण है। आप कितने सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूं। मैं आपको एक बार बता दूं, मैं थोड़ा सा अलग किस्म का व्यक्ति हूँ जी। ये जो रोहतक लोकसभा चुनाव है, आज से पहले भी और आज भी जाट वर्सेस गैर जाट, नॉन जाट के जाति, जाट जाति के लगभग 90% से ज्यादा लोगों ने
दीपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिया है, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी ने अथक प्रयास किया है, अपना खून पसीना बहा है, उनके बेटे उनका परिवार दिन रात होकर लोकसभा में पसीना बहाया, उनके इतने मेहनत पसीने बावजूद बहाने के बावजूद भी बहुत अच्छा परिणाम उनको नहीं मिल पाया। निसंदेह ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जो मेहनत जो ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत करके अपने मोदी जी के हाथ मजबूत करने का प्रयास किया है, शायद कहीं ना कहीं लोगों ने उसको भी 100% स्वीकार नहीं किया है। कुछ वोट आई है जो सम्मानित आएंगी, उनमें भी ओम प्रकाश धनखड़ जी उनकी टीम का उनके परिवार का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, लेकिन लोगों ने इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताने का मन बना लिया था। बिल्कुल, ये आंकड़े हैं और इसमें से कुछ बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी अगर हम रोहतक लोकसभा की बात करें, दो तरीके से है, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र जैसे जो शहर है, रोहतक शहर, बहादुरगढ़ शहर, झज्जर शहर या कलानौर या कोसली का कुछ हिस्से की बात करें, वहाँ जो भाजपा एज ले रही है, वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि भाजपा एक शहरी पार्टी है, लेकिन इस बार भाजपा ने गांवों में भी वोट ली हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने शहरों में भी वोट ली हैं। इस बार अजीब सा परिवर्तन देखने को मिला है, भाजपा को शहरी पार्टी का ठप्पा लगा हुआ है, दीपेंद्र हुड्डा को या कांग्रेस को ये मानते थे कि गांव में वोट ज्यादा मिलेगी, लेकिन इस बार कांग्रेस को शहरों में भी वोट मिली है। जी हाँ, इस बार लोगों के मन में क्या था, एक्चुअल में दीपेंद्र और भूपेंद्र का चेहरा कांग्रेस में और एक तरफ मोदी, बीच में कोई नहीं था, डायरेक्ट चुनाव था, उनको पता है एक सीट भाजपा को ना भी मिलेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केंद्र में सरकार तो भाजपा की ही बनेगी, लेकिन यहां से दीपेंद्र अगर जीतेंगे एक जो प्रदेश में लहर है या जो एक जो वर्ग है उसको विशेष तौर पर। दूसरी बात यह है, इस कार्यकाल में भाजपा हर मुकाम पर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है। जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था वो खुश नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे, भाजपा उनकी रक्षा नहीं कर पाई, उनको स्वयं अपनी इच्छा से खुश होकर दीपेंद्र भूपेंद्र को वोट दिए। चलिए, और अब मैं राजेश जी से जानना चाहूँगा कि रोहतक लोकसभा की परिणाम की हमने चर्चा की है, और मेरा सवाल ये है कि क्या रोहतक लोकसभा चुनाव का यह परिणाम कुछ दिनों बाद, यानी कि 130 दिन आपने लिखा भी था अपनी फेसबुक पर, 130 दिन बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या इसका असर रहेगा, और रहेगा तो कितना रहेगा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया बात की है। अक्टूबर माह में हरियाणा विधानसभा के चुनाव ड्यू हैं, हर साल हर 5 साल के बाद अक्टूबर में चुनाव होते हैं। अक्टूबर आज से ठीक 4 महीने बाद 130 दिन के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पे आ चुके हैं। इस बार आपने पूछा क्या लोकसभा चुनाव परिणाम का विधानसभा चुनाव पर असर होगा, यह असर तो आरंभ हो चुका है और विधानसभा चुनाव आरंभ हो चुका है। भाजपा अपना 100 दिन का कार्यक्रम तैयार कर चुकी है, 4 तारीख को चुनाव आएगा, 5 तारीख से भाजपा का विधानसभा के लिए चुनाव आरंभ हो चुका है। ये इंटरनल तैयारी है उन लोगों की, भाजपा लोकसभा की भी 1 साल पहले तैयारी कर चुकी थी। भाजपा का 100 दिन का कार्यक्रम बिल्कुल तैयार है और 5 तारीख से धरातल पर देखने को मिलेगा। हाँ, इस बार भाजपा आसान नहीं है हरियाणा में, हरियाणा में कहीं ना कहीं दीपेंद्र सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस का वर्चस्व भारी रहेगा, और हरियाणा में इस बार सरकार अभी बहुत बड़ी बात हो जाएगी 130 दिन पहले, लेकिन जो माहौल स्टेट में लग रहा है, जो प्रदेश में दिख रहा है, इस बार भाजपा के लिए आसान नहीं है इस बार, क्योंकि जाट वोट जो कि 23% है वो एक मुश्त एक हो चुका है, दीपेंद्र और भूपेंद्र के पीछे वो आ चुका है, उन्होंने लोकसभा चुनाव में पूरे हरियाणा में कांग्रेस को वोट दी है और बाकियों को नकार दिया है। आने वाले विधानसभा में अगर ये दोहराया गया, निसंदेह कांग्रेस की सरकार आ सकती है। बिल्कुल, और देखिए इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या दीपेंद्र हुड्डा की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें, उन्होंने जिस हिसाब से लोकसभा में टिकटों का वितरण किया था,
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी या जो 2019 में आप कह रहे थे 35-1 उसको खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह को टिकट दे दिया, सोनीपत से उन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दिया, और गुड़गांव से वो राजबब्बर पंजाबी को ले आए, और फरीदाबाद से वो महेंद्र प्रताप सिंह को ले आए जो इसी समाज के थे, गुज्जर समाज के। तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक सदी हुई राजनीतिज्ञ की तरह एक दाव खेला है, एक आगामी 2024 जिसकी आप बात कर रहे हो विधानसभा चुनाव की, उसकी तैयारियां जैसे आप कह रहे हो भाजपा ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी। मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव को दिमाग में रख करके ये खाका तैयार किया है कि हरियाणा में 35-1 की भाजपा की इस काट को वो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल निसंदेह। कितने सहमत है आप? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई बच्चे नहीं है, एक राजनीतिक परिवार से हैं, 40 साल सत्ता उनके परिवार में रही, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं जी। उनकी 80 साल की उम्र होने वाली है, वो राजनीति के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, वर्षों से उनका भूपेंद्र बेटा भी है जो राजनीति में आया हुआ है। निसंदेह उन्होंने लोकसभा के माध्यम से विधानसभा का निशाना साध कर लोकसभा चुनाव फाइट किया है और 35-1 का जो नारा तोड़ने का एक सफल प्रयास किया है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी 35-1 के नारे को तोड़कर विधानसभा चुनाव में टिकट दी जाएगी और इसी के बेस पर यह चुनाव लड़ा जाएगा और आने वाले समय बहुत अच्छे परिणाम हो सकते हैं कांग्रेस। बिल्कुल। तो मैं अपने दर्शकों से, साथियों से और समाचार कैरी मीडिया समूह के तमाम उन शुभ चिंतकों से एक अपील करूंगा, क्या हरियाणा में इस बार बदलाव होने जा रहा है? क्या वर्षों से चली आ रही परिपाटी के हरियाणा में जाति के आधार पर मत डाले जाते हैं, क्या 2024 में यह परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या योग्य उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे? जाति की ये बेड़ियां टूटने वाली हैं? क्या 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा में बदलाव की संकेत दे रहा है, बदलाव का आहट सुनाई दे रहा है? हालांकि लोकसभा चुनाव के परिणाम ज्यादातर तो खुल ही चुके हैं, सभी लोगों को पता चल चुका है कि सभी चैनलों ने 350 प्लस एनडीए का दिखाया है और 150 प्लस 180 प्लस इंडिया गठबंधन का दिखाया है। तो ये तो तय है कि केंद्र में भाजपा की एनडीए की सरकार बनने जा रही है और हरियाणा में भी एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। रोहतक के साथ साथ सिरसा सीट की भी चर्चाएं हैं कुमारी सैलजा को लेकर के, वो भी एज ले रही हैं। तो ये कुछ बदलाव का संकेत है। तो अंत में आप इस पर लाइक कमेंट अवश्य करें, वीडियो कैसी लगी, और राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी दोस्तों, समाचार के दर्शक और पाठक, बहुत शीघ्र 10 तारीख से जनता का फैसला 2024 फिर से एक बार टीम समाचार कैरी आप सभी के बीच, आपके घर तक, हर ब्लॉक पर, हर विधानसभा क्षेत्र तक दस्तक देगी। 10 साल का हरियाणा, क्या आपके सपनों का हरियाणा बना पाए? क्या आपके सपनों का हरियाणा बना पाए? 2024 जनता का फैसला शीघ्र टीम समाचार कैरी ग्रुप के रूप में आपके द्वार तक जानेगी, क्या आपके सपनों का हरियाणा बना पाए हैं और 2024 क्या होगा जनता का फैसला, शीघ्र आपके द्वार टीम समाचार कह रही। नमस्ते, जय हिंद। धन्यवाद साथियों।